सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नायक। प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर NHM एम्प्लॉयज के जो युवा हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना में इन लोगों ने अपनी ड्यूटी जो है सरंजाम दी थी, इनको जो है कोरोना में मालाएं पहनाई जाती थी, अप्रिशिएट किया जाता था, कोरोना वॉरियर के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। लेकिन आज आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और एडमिशन जो है इनकी मांग नहीं सुन रही है? आइए हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्यों इन लोगों की मांगें आखिर नहीं सुनी जा रही हैं। जेके एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। सर जेके एडमिनिस्ट्रेशन हाय। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अजय कुमार है। क्या मांग है और क्यों आप लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हर बार हमें 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाता है सरकार की तरफ से, लॉलीपॉप वगैरह दिया जाता है। हमारी यही मांग है कि आगे हमें कंटिन्यू किया जाए, हमें प्रॉपर जेके जो NHM की पॉलिसी है उसके अंडर हमें लाया जाए। कोरोना में आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, आपको मालाएं पहनाई जाती थी, आज क्या वजह है कि आप सरकार वो कुछ नहीं अप्रिशिएट किया जाता था, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। वो इन्होंने अपनी बाई बाई लूटने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज को इनको आगे बलि का बकरा बनाया, इनके नाम के ऊपर इन्होंने राजनीति के लिए खूब दबा के, और अब उसके बाद अब जब आया टाइम इनके इनको फेस करने का, अब वो अपने AC वाले कमरों में बैठ गए हैं। आपने बात करने की इनका कौन सा इनका एक मिनट, इनका कोई ऐसा कोई जो है इनकी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, इनका ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमने छोड़ा हो। हमने सबसे जाके बात की, दो तो प्रोटेस्ट हमारे जम्मू GMC गेट के बाहर हो गए हैं। तो अब ये हमारा प्रोटेस्ट, अब 7 तारीख को हमारा जो टर्मिनेट लेटर निकलना था, उससे पहले ये एक हमने इनको अल्टीमेटम देने की सोची कि ये 7 तारीख हमारे लिए कुछ सोच ले, अगर ये नहीं सोचेंगे फिर हम खुद, मैं अपने जितने भी ECRP एम्प्लॉयज के यूथ हैं स्पेशली मेल, हम तो ये बोलेंगे इस बार हम कपड़े फाड़ के प्रोटेस्ट करेंगे। आपने कहा कि हमने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के हर व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद भी आप? हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या, मैं आपको सबसे बड़ी चीज दिखाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर भी कोई चीज होती है, क्योंकि ये तो नौकर है। अगर सबसे पहले बड़ी बात है, जिनके फ्यू शॉट हुए ना बड़े बड़े ऑफिसरों के, उनको मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ, आप जनता के पब्लिक के नौकर हैं। आपको एक आम आदमी भी क्वेश्चन कर सकता है, और आप नौकर बने बैठे हो चंद पॉलिटिकल लीडरों के, और आपको मालूम ही नहीं है कि आप असल में आपको जनता के लिए लगाया गया है या फिर लीडरों के लिए लगाया गया है। और वो जब एक लीडर निकलता है, आपकी 5 पुलिस की जिप्सियां लगी होती है रोड क्लियर कराने के लिए, लेकिन जब एक एम्बुलेंस निकलती है तब आपका कोई बंदा नहीं दिखता हमें रोड क्लियर कराने के लिए। तब इतनी इतनी सेंस है हमारे लोगों में कि एम्बुलेंस को, इतनी इंसानियत है कि एम्बुलेंस को देख के भी आज लोग गाड़ियां अपनी साइड पे लगा देते हैं। और अगर इनके पास, अगर इनका पुलिस का अगर देखा जाए, इनके पास पूरी प्रॉपर, इनके पास पूरी, अगर थानों में चले जाए इनके पास प्रॉपर नफरी नहीं है, हॉस्पिटल में चले जाओ इनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, और कहीं चले जाओ PHE का डिपार्टमेंट का देख लो, वो बेचारे आगे सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ओ भाई पैसा नहीं है जा रहा कहाँ पैसा, 104-106 रुपया लीटर आज तेल हो गया है, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? जहाँ तो कुछ चंद ऐसे लोग जो हमने चुन के इधर से सेंटर में जाके बिठाए थे, जहाँ तो फिर इस पूरी पूरी पूरा जो जम्मू में गोलमाल चल रहा है इनके पीछे उनका ही हाथ है, ऐसा भी हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद खत्म हो गई थी, तब जाके हमने लास्ट जाके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या आपको लगता है जो पॉलिटिशियन इलेक्शन के समय नजर आते हैं उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं? ओहो, ये तो अब तो इलेक्शन आ रही है, ये तो इलेक्शन के टाइम भी नहीं नजर आ रहे हैं। आप तो बोलो इलेक्शन के टाइम नजर आएंगे, ये तो इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं नजर आ रहे हैं। ये जम्मू हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जम्मू हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है कि जब तक आप ये इनकी बेंच पे बैठ के, अगली हियरिंग 10/5 को है, जब तक ये नहीं होगी तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इनको टर्मिनेट नहीं कर सकता। और हम MD NHM के ऑफिस जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे MD सर हैं वो जो श्रीनगर में बैठे हुए हैं, आज 31 तारीख होगी, 31 को हमारा स्टे निकला था, आज 5 तारीख हो गई है, MD NHM कहाँ सोया हुआ है? अगर उसको, अगर हमारी जॉब सेफ, अगर हमारी, देखो सबसे बड़ी बात यह है किसी को थप्पड़ लगा दो वो बंदा चल जाता है, लेकिन किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। ये 1600 एम्प्लॉयज नहीं है, ये 1600 फैमिलीज हैं, आप इनके 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 घर का निवाला छीन रहे हो आप। आखिर क्या मैसेज देगा? हम यही हमारा मैसेज हमने कम से कम कोई 50 मैसेज दे दिए हैं, या तो सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोटेस्ट का, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये वो नहीं है PTD के एम्प्लॉयज हैं या PHE वाले हैं, क्योंकि वो उम्र दराज हो गए हैं बेचारे, ठंडा मीठा प्रोटेस्ट करते हैं। ये जम्मू का यूथ है, ये प्रोटेस्ट अब ऐसा करेगा ना ये एडमिनिस्ट्रेशन भी याद रखेगी, और जो भी ऑफिसर बोलते हैं ना कि नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको इधर उठाओ, इधर से उठा दो पुलिस वालों का, इस बार सर हमारे पास पूरा कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार हाथ लगा के दिखाओ हमारे किसी एम्प्लॉयज को, फिर दिखाएंगे कोर्ट को। सर कोर्ट पे भरोसा ही है, तभी जाके हमने कोर्ट, और हमने ये भी सुनने में आया जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो हमारे इस टाइम पे पुनीत गुप्ता, वो हमारे इतने सिंसियर जज हैं, हमें
बहुत बंदों से हमें सोचने को मिला कि वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो आपका जो केस होगा वो आपके केस की सुनवाई जरूर करेंगे और हमें जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा, क्योंकि ये कुछ चंद लीडरों के हाथों की गुलाम है तो इनके ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है, इसलिए हम यही चाहते हैं 7 तारीख से पहले पहले हमारे बंदों को NHM की पॉलिसी में कंटिन्यू करो, अगर नहीं आपने ऐसा किया इस बार हम और जोर शोर से प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे नेशनल हेल्थ मिशन एक कार्यकर्ता जिन्होंने मांगों को लेकर। जी मैडम आप कुछ कहेंगे? सर हम कोरोना आ रही है ना इधर सारे, ठीक है, जब जब गवर्नमेंट को हमारी जरूरत थी तब इन्होंने हमें काम लगा ली जॉब, ठीक है, जब JKSSB की जॉब निकली थी वहाँ पे कुछ रिटायरमेंट भी लगे हुए हैं पोस्टों पे, वो कैसे पोस्टें लग जाती हैं फिर, वो 50-50 साल के 60-60 के बंदे लगा देते हैं और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आपकी जॉब चली गई, आप जाओ, आपका टाइम खत्म। तो सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, मैं अपने JNK गवर्नमेंट से ये बात पूछना चाहूंगी, जब हमारे कोई भी नेता बाहर से आ जाते हैं आप देख लेते हो कि कितना ब्लॉकेज लग जाती है, सभी रोड खाली कर दिए जाते हैं कि हाँ जी एक बहुत बड़े नेता जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, तब कोई बच्चा बीमार नहीं है, तब कोई बच्चा पेपर देने नहीं जा रहा, कोई पढ़ने नहीं जा रहा, क्या कोई बीमार नहीं है? ठीक है हम मान लेते हैं, तब इनको आम जनता को परेशान करना, एक बंदा आता है और एक बंदा आकर पूरे जम्मू कश्मीर को परेशान कर देता है, ठीक है, जब हम अपने हक के लिए निकलते हैं तब तो हमें डंडे मार के उठा देते हैं कि आज इन्होंने आम जनता को परेशान किया है। आप मुझे इस बात का बताओ, एक बंदा अकेला आता है वो सारी दुनिया जॉब से निकालेगा? जी हमें बार बार निकाल ही देते हैं, अभी पिछले भी हमें 6 महीने का एक्सटेंशन लिया था तो LG साहब हमारे बीच में आए थे, उनका भी तो थोड़ा बहुत कसूर है ना, तब उन्होंने आपके सामने बोला था कि इनको बच्चों को मैं बरेली में सीटें भी दूंगा, इनका मैं इनको मैं प्रथम स्थान भी दूंगा, इनको मेडल भी पहनाए जाएंगे। आप मुझे इस बात लॉलीपॉप तो ये ऐसे ही दे रहे हैं, जब LG साहब बाहर से निकलेंगे ना सारा रोड ब्लॉक, जाओ जी पीछे पीछे हो जाओ, सर आ रहे हैं, जैसे कि सारा कोरोना इनको ही चमका हुआ है और हमारे लिए क्या दिया उन्होंने, तो इस बार नहीं हम छोड़ने वाले। जिस तरह से NHM के एम्प्लॉयज को जो है कोरोना में मालाएं पहनाई जाती थी, अप्रिशिएट किया जाता था, उसके बावजूद भी आज वो लोग जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा कि प्रेस क्लब में इन लोगों का कहना था कि हमें जो है जल्द से जल्द 7 तारीख को जो है रेगुलराइज किया जाए, हमें दोबारा से अपनी जॉब पर जो है रखा जाए, नहीं तो अदरवाइज हम जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब जो है कोई छोटा मोटा प्रदर्शन होने वाला नहीं है, सड़कें ब्लॉक होंगी, ये जम्मू का यूथ है, जम्मू का यूथ जाग चुका है और आने वाले समय में हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी मांगे जो है जल्द से जल्द मानी जाए। हम आपको मजीद ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए JK Express News। अपने मेजबान शहजाद नाई को दीजिए इजाजत।